चंद्रशेखर राठौर फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट. टुडेस अवर टॉपिक इज टेलीविजन कार्यक्रम. टेलीविजन कार्यक्रम यानी ये रिलेटेड है, टेलीविजन कार्यक्रम है जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. यानी टेलीविजन कार्यक्रम का है जो दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम आते हैं उसमें जो शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें शिक्षण में किस तरीके से एडवांटेज दे रहे हैं, दूरदर्शन किस तरीके से शिक्षण को एडवांटेज दे रहे हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये टेलीविज़न कार्यक्रम में ये रिलेटेड है शिक्षण से. इनकी हमारी जो शिक्षण दूरदर्शन के थ्रू हम जो शिक्षण कार्य आजकल शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं बच्चों के लिए उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि टेलीविज़न या दूरदर्शन है क्या. तो टेलीविज़न जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी तो सभी को पता है कि टेलीविज़न है क्या. तो टेलीविज़न को एक तरह से आप लोग वैसे सामान्य रूप से और भी मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए देखते हैं, पर टेलीविज़न का यूज़ शैक्षिक संस्थानों के लिए भी, इनके शैक्षिक अधिगम के लिए भी बहुत ही सुचारू रूप से और शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए किया जा रहा है. तो टेलीविज़न क्या है कि अब उसमें क्या है कि टेलीविज़न में दृश्य और ऑडियो और वीडियो ने देखना और सुनना दोनों काम एक साथ होता है. और रेडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि रेडियो में खाली सुनना ही होता है, उसमें चित्र को हम देख नहीं सकते. इन्हें एक तरह से क्या है कि दो चीज़ों का उपयोग हो रहा है, कई इंद्रियों का उपयोग हो रहा है, दृश्य और सुनना और देखना दोनों ही दूरदर्शन के थ्रू. टेलीविज़न हमको एक समय में दो जगह होने का आभास कराता है कि हम एक ही समय में दो जगह पे हैं. यानी एक तरह से क्या है टेलीविज़न के द्वारा कि एक ही साथ अगर टेलीविज़न में शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसमें एक ही समय में लाखों छात्रों को अनुदेशन प्राप्त किया जा सकता है या लाखों लोगों को एक साथ अनुदेशन प्राप्त हो पाते हैं, कि उसका एडवांटेज ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक तरह से कि कम खर्चेली प्रक्रिया है. तो इस तरीके से हम टेलीविज़न के बारे में इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना दे सकते हैं कि टेलीविज़न या दूरदर्शन प्रोग्राम है क्या, यानी दूरदर्शन में शिक्षण के क्या क्या एडवांटेज हैं. देन हम टेलीविज़न कार्यक्रम के बारे में बताते हैं कि क्या क्या टाइप के इनके टेलीविज़न कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं. तो टेलीविज़न कार्यक्रम में सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, एक तो है शैक्षिक अनुदेशात्मक कार्यक्रम. तो सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम में एक तो है हेल्थ रिलेटेड, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड आप कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, कैसे इनकी अपने हेल्थ की सुरक्षा कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यानी एक तरह से ये भी क्या है शैक्षिक क्रियाएं हैं कि आप अपने हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं. एक तो है जीवन स्तर शैक्षिक कार्यक्रम. जीवन स्तर शैक्षिक कार्यक्रम का मतलब है कि अपने जीवन को इनकी लाइफ से रिलेटेड आप क्या क्या एडवांटेज आप ले सकते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम दूरदर्शन में कुछ ऐसे प्रोग्राम प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल को अपने जीवन को उच्चतर बना सकते हैं. एक होता है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, यानी ये भी एक तरह से शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की चीज़ें शैक्षिक आज तो सामान्य ज्ञान जो है वो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फाइट करने के लिए भी यूज होता है, जिससे तो ये एक तरह से सामान्य ज्ञान के थ्रू हम एक तरह से शैक्षिक एडवांटेज ले सकते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्या चीज़ें हैं सामान्य ज्ञान की, क्या क्या चीज़ें हैं. एक होता है शैक्षिक अनुदेशात्मक कार्यक्रम. शैक्षिक अनुदेशात्मक कार्यक्रम से रिलेटेड के अंतर्गत है पूर्ण अनुदेशन, एक है पूरक अनुदेशन, एक है दूरदर्शन साधन के रूप में, एक है दूरदर्शन संसाधन के रूप में और एक है औपचारिक दूरदर्शन. यानी एक तरह से दूरदर्शन हमें किस तरीके से लाखों एडवांटेज दे रहे हैं अनुदेशन के रूप में. यानी हमको बहुत सारी चीज़ें दूरदर्शन के थ्रू एक ही समय में लाखों लोग हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं. तो दूरदर्शन कार्यक्रम जो शैक्षिक कार्यक्रम है
उसके तीन टाइप है, एक तो प्रदर्शन कार्यक्रम, एक तो अनुपूरक कार्यक्रम, एक तो सीधे शैक्षिक कार्यक्रम। फर्स्ट है प्रदर्शन कार्यक्रम। प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय संबंधित कार्यक्रमों को, महत्वपूर्ण क्रियाओं को प्रदर्शन पर प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि विद्यालय से संबंधित विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं विद्यालय से संबंधित, उन क्रियाओं को दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जाता है, वो होता है प्रदर्शन कार्यक्रम। एक होता है अनुपूरक कार्यक्रम। अनुपूरक कार्यक्रम में उस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें संगीत, कला आदि विषयों को अनुपूरक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और एक होते हैं सीधे शैक्षिक कार्यक्रम। सीधे शैक्षिक कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि शिक्षण से रिलेटेड कार्यक्रम, सीधे शिक्षण से रिलेटेड कार्यक्रम उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। ये होते हैं शैक्षिक कार्यक्रम जो दूरदर्शन में हम देख सकते हैं, यानी दूरदर्शन के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम दूरदर्शन कार्यक्रम के लाभ, दूरदर्शन कार्यक्रम के क्या क्या लाभ है, क्या क्या हम एडवांटेज ले सकते हैं, ये डिस्कस कर सकते हैं। तो दूरदर्शन कार्यक्रम क्या है, क्या कि विशेषज्ञों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा यानी जो जिनको ज्ञान है, बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिससे क्या है बच्चों का, बल्कि एक तरह से बच्चों को व्यापक जानकारी होती है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है जिससे उनके गुणों का विकास होता है। एक तो क्या है कि दूरदर्शन कार्यक्रम एक समय में एक से अधिक लोग इससे एडवांटेज ले सकते हैं, जिससे क्या है कि बच्चों को विस्तृत जानकारी, यानी कि छात्रों को विकास करने की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। एक और दे सकते हैं, और एडवांटेज दे सकते हैं, जैसे दूरदर्शन कार्यक्रम है ये एक साथ लाखों लोगों को, छात्रों को एक साथ, लाखों छात्र इसके एडवांटेज ले सकते हैं, इसलिए एक तरह से यह एक मित्र व्यय यानी कि कम खर्चीली कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम अधिगम प्रक्रिया को सुधारने के लिए, यानी कि जैसे बच्चे इससे एडवांटेज ले सकते हैं, अब जो छात्र अपना एडवांटेज ले सकते हैं कि उनकी स्टडी में क्या कमी है, अधिगम प्रक्रिया में क्या कमी है, या शिक्षक भी इसके थ्रू अपने अधिगम प्रक्रिया को, अपने जो टीचिंग कौशल है उसको भी सुधारने का कौशल प्राप्त करके एक तरह से एडवांटेज ले सकते हैं। छात्र स्कूल में बैठ के ही संसार के विभिन्न स्थानों की सैर कर सकते हैं दूरदर्शन के थ्रू, और छात्र विभिन्न देशों प्रदेशों में रहने वाले लोगों के वेशभूषा, संस्कृति, संगीत, भाषा इससे परिचित हो सकते हैं। तो ये है दूरदर्शन के एडवांटेज। और दूरदर्शन के द्वारा, क्योंकि दूरदर्शन ये है कि जिससे दूरदर्शन के द्वारा श्रवण और क्योंकि एक तरह से उसमें देखना और सुनना दोनों कार्य होता है, तो क्या है कि दोनों इंद्रियों का प्रयोग बच्चे लेते हैं, जिसके कारण पाठ ज्यादा मनोरंजक होता है, और इस तरह का मनोरंजक पाठ क्या है बच्चों में ज्ञान स्थायी होता है। अगर बच्चे उसको देखकर सुनकर करते हैं तो इस तरह का प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो दूरदर्शन में जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसका प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स है। तो जैसे आप स्कूल में शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना है दूरदर्शन के थ्रू, तो सबसे पहले क्या है, अध्यापक है वो उचित दिशा निर्देश दे बच्चों को, यानी एक तरह से अनुदेशन दें कि क्या क्या आप कि किसके बारे में दूरदर्शन में हम कार्यक्रम कि आपको दिखाया जा रहा है, कौन सा शैक्षिक कार्यक्रम करके कौन सा टॉपिक के बारे में आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद ये भी चेक कर लें कि जो दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं वो सेट सही चल रहा है कि नहीं। उसके बाद ये भी चेक कर लें कि जिस कमरे में दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं उस वहाँ के वातावरण, खिड़की दरवाजे सही है, उसका निरीक्षण कर लें। उसके बाद ये भी ध्यान दे कि बच्चों को सही तरीके से प्रोग्राम दिख रहा है कि नहीं,
क्योंकि बच्चों को अगर प्रोग्राम सही तरीके से नहीं दिखा तो उसका वो सही वो एडवांटेज नहीं ले सकेंगे जो एडवांटेज प्रोग्राम देना चाह रहा है। उसके बाद बच्चों को में अनुशासन भी जरूरी है। अगर कुछ बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे हैं और कुछ बच्चे हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, तो क्या है संप्रेषण में एक तरह से क्या होगा, व्यवधान होगा, यानी एक तरह से सही तरीके से कम्युनिकेटिविटी नहीं बन पाएगी, कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है कुछ कुछ टॉपिक्स बच्चे छूट सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीजें छूट सकती है बच्चों से। इसलिए टीचर्स ये ध्यान रखें कि सारे बच्चे क्या है डिसिप्लिन में रहें, हल्ला ना करें, आपस में बातें ना करें। टीचर्स बच्चों को ये भी इंस्ट्रक्शन करें कि जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी उनको इम्पॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है दूरदर्शन में उसे वो नोट कर ले, अपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर ले, यानी इस तरीके। और जो टीचर है वो भी उस टॉपिक को ध्यानपूर्ण देखे, क्योंकि जरूरी नहीं है टीचर को संपूर्ण ज्ञान हो, कुछ कुछ ज्ञान तो टीचर खुद भी इनकी एक मीडिया से लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है हम जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसको दूरदर्शन में व्यवस्थित तरीके से बच्चों को शो कर सकते हैं, जिसका वो एडवांटेज ले सके। तो ये है एक तरीके से दूरदर्शन के लाभ। दूरदर्शन की कुछ सीमाएं भी है, हानियां भी है, एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। तो जैसे क्या है कि दूरदर्शन क्या है एक तरीके से कि जो ये सेट लेने में इनके हर स्कूल ये जो टेलीविजन है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इनकी खरीद नहीं सकता है उतनी वो नहीं होती उनमें। और अगर एक बार अगर कुछ खराबी आ जाए, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, उसको मरम्मत करने की कुछ परेशानियां होती हैं। तो एक तरीके से ये क्या है कि दूरदर्शन या कभी कभी सिग्नल का प्रॉब्लम होता है तो, और ये है कि बच्चे जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, उसका एडवांटेज ले रहे हैं। तो कुछ एडवांटेज हैं दूरदर्शन के, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो एक तरह से दूरदर्शन के द्वारा जो जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं, जो गरीब छात्र हैं वो भी एक तरीके से इसका एडवांटेज ले सकते हैं, दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। और लास्ट में आपको उपसंहार कंक्लूजन बताना है, उपसंहार बताना है तो आपने दूरदर्शन के बारे में ओवरऑल क्या पढ़ा, किस तरीके से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली और रोचक बनाया जा रहा है, बच्चों को बहुत सारे अच्छे शिक्षण से रिलेटेड चीजें सिखाई जा रही है, तो इस तरीके से हम उपसंहार या कंक्लूजन दे सकते हैं ओवरऑल दूरदर्शन के बारे में जो भी पढ़ा। यानी एक तरह से दूरदर्शन क्या है कि जो टेक्निकल ये चीजें आई है लोगों की लाइफ स्टाइल को बहुत कुछ बदल दिया है, अधिगम प्रक्रिया को बहुत सुचारू बना दिए हैं और बच्चे एडवांटेज ले रहे हैं शिक्षण, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम शिक्षण के आते हैं जिससे क्या है बच्चे घर में बैठ के ही कि एक तरीके से दूरदर्शन से बहुत सारे एडवांटेज ले सकते हैं। और लास्ट आपका आता है रेफरेंस, तो रेफरेंस में आप उनको डाल सकते हैं SD सत्संग का नाम, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षण है क्या पूरा हमारा जो युग है आज वैज्ञानिकों का युग है, इसलिए शिक्षण भी तो विज्ञान से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। तो यह और जो टेक्नोलॉजी आया है ये सब टेक्नोलॉजी है उसने शिक्षण को भी बहुत अधिक डोमिनेट किया, प्रभावित किया है, जैसे जिससे कि शिक्षण है आज बहुत ही एडवांस हो चुका है। बच्चे आज घर में ही बैठ के मेल और ये इनके थ्रू इनकी बहुत सारे आज मल्टीमीडिया आ चुके हैं जिसके थ्रू बच्चे आज इसका टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले रहे हैं और आगे भी ये टेक्नोलॉजी एडवांस होते जाएगा और बच्चों के लिए बहुत ही सुचारू रूप से और सुगम रूप से ये उपलब्ध होते रहेगा। तो लास्ट आप लोग SD सत्संग रेफरेंस डाल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।